सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला चार जिमनी चोणां नूं लै के ही वड्डा विश्लेषण जो है जरूर सांझा करियो, ते वी गल जरूर सांझी करियो कि आखिर केड़े अजिहे लीडर ने अगर वह हार जांदे ने इन्हां चार जिमनी चोणां दे विच तां फिर उन्हां दा सीएम बनन दा जिहड़ा सुपना है वह टुट सकदा है, क्योंकि सियासी गलियारियां दी आपां गल कर लईए तां कई अजिहे लीडर ने जो किते ना किते जरूर इस कोशिश विच ने ते उस लाइन दे विच मेहनत कर रहे ने के असीं अगे चल के सीएम बन सकीए। सो किहड़े अजिहे लीडर दिख रहे ने जिन्हां दी हार दे नाल उन्हां दा सुपना भी टुट सकदा है, जरूर चार जिमनी चोणां नूं लै के गल सांझी करियो। देखो, तुसीं बहुत महत्वपूर्ण सवाल कीता। आम लोग भी उन्हां दे ज़हन च भी इस तरह के कई सवाल इन्हां दिनां दे विच ने। सब तो पहला तो जिहड़ियां चार जिमनी चोणां ने, 18 अक्तूबर नूं नोटिफिकेशन जारी हो गया और हुण कागज़ दाखिल किए जा सकते हैं। आ जिहड़ी 25 तरीक आ रही है, 25 अक्तूबर, 25 अक्तूबर तक कागज़ दाखिल होने ने। उस तो बाद जिहड़ी जांच होनी कागज़ां दी 28 तरीक तक, तो 30 अक्तूबर तक कागज़ भरन वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस लै सकते हैं, क्योंकि 13 तरीक नूं 13 नवंबर नूं तां फैसला ही आ जाना है। हुण सवाल जिहड़ा इत्थे है बहुत वड्डा है, जिहड़ा तुहाडा सवाल भी है, ये जिहड़ियां चार जिमनी चोणां ने पंजाब दीआं, असल च पंजाब दीआं अगलियां विधानसभा चोणां तों पहलां आ जिहड़ियां जिमनी चोणां ने इन्हां दी बहुत ज़्यादा महत्ता है। जिहड़ी भी पार्टी या जिहड़ा भी वड्डा मुख्यमंत्री दा दावेदार इन्हां चोणां दे विच कामयाब रहा, उहदी तूती बोल सकदी है सियासत च, और जिहड़े हारे उन्हां दा बतौर मुख्यमंत्री दा चेहरा या बतौर मुख्यमंत्री दा दावेदार जिहड़ा करियर है वह फिलहाल मठा भी पै सकता है। सियासी तौर पर वो 27 वाली जिहड़ी चोण होनी है उस तो पहलां उन्हां ते बहुत वड्डे दबाव आ सकते ने। हुण ये गल दिलचस्पी वाली गल ये है कि जिहड़ियां चार जिमनी चोणां ने इन्हां च वड्डे वड्डे जिहड़े पंजाब दी सियासत दे दिग्गज ने उन्हां दी शमूलियत है सिद्धी। हुण गिद्दड़ बाहर चलता, राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने और बहुत संभावना है कि राजा वड़िंग की धर्म पत्नी नूं उत्थों टिकट मिलनी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, बहुत संभावना है कि उन्हां दी धर्म पत्नी नूं उत्थों टिकट मिले। सुखजिंदर रंधावा डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके ने, राजा वड़िंग प्रधान ने, मैंबर पार्लीमेंट ने, कांग्रेस के पक्षों सानूं हमेशा पता है कि कांग्रेस दे विच सब तो वध जिहड़ी अंदरूनी लड़ाई हुंदी है वह सीएमशिप नूं लैके हुंदी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हरियाणे दे विच भी जिहड़ी कांग्रेस की सरकार नहीं आई, वह क्यों नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं ऐलानिया। चेहरा इस करके नहीं ऐलानिया क्योंकि फुट बहुत ज़्यादा सी, मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार बहुत ज़्यादा सी। मैं अगे भी जिक्र करदा, कल भुपिंदर हुडा नहीं, बीबी शैलजा भी सी, रणदीप सुरजेवाला सी, दुपिंदर हुडा भी, भुपिंदर हुडा का पुत भी दावेदार सी जिहड़ा दुपिंदर हुडा सी। देखो, प्यो पुत च भी मुकाबला सी हरियाणे च कि मुख्यमंत्री मैं बनना या तू बनना पुत, इस तरह की स्थिति हरियाणे च सी। और पंजाब च भी उस तरह की स्थिति हुणे बनी है। कुछ दिन पहला मैं राजा वड़िंग दे एक प्रोग्राम दे बाहर राजा वड़िंग नूं मुख्यमंत्री बनाउण लई लगे नारे सुने सी कि राजा वड़िंग वर्गा मुख्यमंत्री होना चाहिए। इहदा मतलब है कि उन्होंने समर्थकों ने गल खुले तौर पर कहनी शुरू करती कि राजा वड़िंग मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, सानू इहो जिहा मुख्यमंत्री चाहिए। हुण जे पंजाब च कांग्रेस के बहुत सारे लोग राजा वड़िंग नूं मुख्यमंत्री चाहते ने 27 च या मुख्यमंत्री का चेहरा चाहते ने, तो फिर गिद्दड़बाहा की जिहड़ी जिमनी चोण है वो राजा वड़िंग दे लई तां फिर अग्नि प्रीख्या, बहुत सख्त प्रीख्या। अगर राजा वड़िंग की धर्म पत्नी नूं टिकट मिलती है, हाँ इहदे च कोई दो राय नहीं है कि राजा वड़िंग की धर्म पत्नी पहला बठिंडे च भी दावेदार सीगे जितते, अगर वह चोण लड़ते मैनू लगता कि वह जित सकते सी बठिंडा तो। उस वेले भी मैं गल की कई बार कि उन्होंने टिकट दे देनी चाहिए कांग्रेस को, नहीं दिती कांग्रेस ने।
अगर हुण अमृता फड़िंग नूं टिकट मिलदी है तो गिदड़बाहा दे विच बिना शक वह मजबूत उम्मीदवार ने, पर जदों पिछली वारी राजा फड़िंग जितते सी ते 13-14% वोटां ते उन्हां दी जित होई सी, बहुत वड्डी जित नहीं सी, लेकिन उदों हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों अकाली दल दे उम्मीदवार सी। हुण इस वार अकाली दल दी जो स्थिति है वह साढ़े सारयां दे सामने है, पता नहीं अकाली दल दा उम्मीदवार कौन होगा क्योंकि दिन तां रह गए ने। हुण तुसीं देखो अज असीं 20 अक्तूबर च आ गए हां, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुल 5 दिनां दे विच, अज ऐतवार नूं तां कागज़ भरे नहीं जाणे, इहदा मतलब है 4 दिन रह गए। अगले 4 दिनां च अकाली दल नूं भी दसणा पैणा साडा उम्मीदवार कौन है और बाकी पार्टियां नूं भी। हुण जिहड़ी मैं गल कर रहा सी उत्थे मुड़दा, हुण अगर अमृता फड़िंग जितदे ने, राजा फड़िंग MP भी ने, कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी ने, और गिदड़बाहा राजा फड़िंग का ही हलका सी, अगर अमृता फड़िंग जितते ने इहदा मतलब है कि राजा फड़िंग का दावा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के वड्डा होएगा बतौर मुख्यमंत्री दे चेहरा। वो क्यों? वो इस करके कि राजा फड़िंग दे उत्ते यह भरोसा राहुल गांधी नूं आ सकता है कि जे मैं इहनूं MP की चोन लड़ाई है जित के आया, अगर मैं गिदड़बाहे च टिकट दित्ती 3 वार जितया, तो जदों कांग्रेस ने 18 सीटां जितियां, जदों कांग्रेस माल विच कुछ कु सीटां जित्ती उदों भी राजा फड़िंग जितया जी, उहदे नाल राहुल गांधी का या कांग्रेस की हाई कमांड का भरोसा मजबूत होगा राजा फड़िंग ते। पर अगर राजा फड़िंग हार गए या अगर उन्हां दी धर्मपत्नी नूं टिकट मिलदी है वह हार गए, तो फिर उन्हां दा जिहड़ा मुख्यमंत्री का दावा है वह अपने आप कमजोर पवेगा। इस तरह सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वह सबका डिप्टी मुख्यमंत्री ने, वह चाहणगे मैं MP बनिया, मैनू राहुल गांधी ने लड़न लई कहा सी, मैं चोण लड़ी गुरदासपुर तो MP बन गया, तो हुण अगर उन्हां दी धर्मपत्नी नूं टिकट मिलती है जिहड़ी संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर वह जित जाते हैं तो निश्चित तौर के उत्ते वह डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर फिर विधायक चुने गए सी, डिप्टी मुख्यमंत्री तो बाद डिप्टी मुख्यमंत्री बने, मतलब एक लीडर जिहड़ा पहला डिप्टी मुख्यमंत्री बन चुकिया उस तो बाद वो MLA भी जितदा है, फिर तुसीं उहनूं MP लड़ाउंदे हो, MP भी जितदा है, उहदी पत्नी भी जित जांदी है, इहदा मतलब है कि उस व्यक्ति की आम लोगों के विच दखल है, आम लोगों के विच हुंगारा है, पैंठ है, मिलवर्तन है, पैठ है। इहदा मतलब है अगर डिप्टी मुख्यमंत्री पहला सी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अगर ये जित जाते हैं वह भी मुख्यमंत्री की दौड़ दे विच आ सकते हैं, हालांकि वह पहला भी मुख्यमंत्री की दौड़ च है। मैं ये भी स्पष्ट करता इस वेले पंजाब च प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस पार्टी के सब तो सीनियर इलैक्टड रिप्रजेंटेटिव ने, राज्यसभा च भी रह ले, मंत्री भी रह ले, MLA रह ले, कई बार जिला प्रधान रह ले, कांग्रेस के पंजाब प्रधान रह ले, बहुत छोटी उम्र चो प्रधान बने। सो अगलिया 227 तो पहला अगर नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा सरगर्मी नहीं फड़दे या दोबारा कांग्रेस की सियासत या किसी भी तरह की पॉलिटिक्स वो दोबारा सरगर्म नहीं होंगे अगर जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू तो बिना इस वक्त प्रताप सिंह बाजवा एक अजिहा चेहरा ने जिहड़े सब तो ज्यादा तजर्बेकार ने। उंज नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा दे विच तजर्बे पक्षों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हुण सुखजिंदर रंधावा जित के दावेदारी ते आ जाएंगे, हुण ये स्थिति होगी कांग्रेस की। अकाली दल की स्थिति है, गिदड़बाहा अकाली दल की परंपरागत सीट है, जिहड़ा पार्लीमेंट्री बोर्ड है अकाली दल का वह लगातार कोशिश कर रहा है कि साडा मुड़ तो चंगा उम्मीदवार आवे। हुण सुखबीर सिंह बादल तनखाइया करार ने, वह बतौर तनखाइया करार बिना सजा लवाए अगर लोगों की कचहरी चाहते ने विधानसभा की, तो उहदे नाल उहनां नूं मैनूं लगता है कि शायद वह आण ही ना, मैनूं नहीं लगता कि वह एडा जोखम लैणगे कि जदों तनखाइया करार करन तो बाद हजे उहनां नूं सजा नहीं लगी तो वह चोन लड़नगे, क्योंकि वह अकाली दल दीआं गतिविधियां तो दूर ने बतौर प्रधान। सो अगर सुखबीर बादल चोण नहीं लड़ते और अकाली दल इन्हां चार चोणां च
पुराने प्रदर्शन दे अनुरूप अनुकूल प्रदर्शन नहीं करता। तो फिर सुखबीर सिंह बादल दी भावे इस वक्त तनखाइया करार ने अगवाई जिहड़ी है वो दूसरे लीडर दे कोले दित्ती हुई है उन्होंने बलविंदर सिंह भुंदड़ प्रोफेसर बलविंदर सिंह भुंदड़ माफ करना प्रोफेसर चंदू माजरा ने बलविंदर सिंह भुंदड़ इन्हां कोले अगवाई दित्ती गई है जी। पर इस बावजूद देखा यह जाएगा कि अगर अकाली दल नहीं वापसी करता वोट परसेंटेज दे पक्खों या कोई सीट जितण दे पक्खों और खास तौर पर गिदड़बाहा जिथे प्रकाश सिंह बादल कई दफा जिते ते मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल ही मनप्रीत बादल नूं लैके आए मनप्रीत बादल कई वारी उत्थों जिते MLA बने ते मंत्री भी बने खजाना मंत्री जदों प्रकाश सिंह बादल ने मनप्रीत सिंह बादल नूं बनाया सी ते मनप्रीत बादल गिदड़बाहा तों ही विधायक सी MLA सी इस करके ये अकाली दल दे खास तौर ते सुखबीर बादल दे अगले मुख्यमंत्री दे दावे दे तौर दे उत्ते या उन्हां दे दावे ते सीधा या असिधा असर पाएगा इस चोण दा फैसला। हुण मनप्रीत बादल कर लिए मनप्रीत बादल कई बार खजाना मंत्री रह ले अकाली दल दी सरकार च रह ले कैप्टन अमरिंदर दी सरकार च रह ले चरणजीत चन्नी दी सरकार च रह ले और BJP च शामिल हो गए हुण हालांकि वह पहला अकाली दल सी फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई फिर वह कांग्रेस च आए हुण वह BJP च आए अकाली दल दे विच भी वह खजाना मंत्री बने जदों सीगे जदों अपनी पार्टी च आए उदों तां वह जित्ते दी वह गिदड़बाहा ते मौड़ मंडी दोनों थावां तों हारे फिर वह पार्लीमेंट हारे पर जदों कांग्रेस च आए फिर खजाना मंत्री बने जदों चरणजीत चन्नी दी सरकार बनी फिर खजाना मंत्री हुण वह BJP च ने और वह भी कितें ना कितें वड्डे चेहरे ने पंजाब की सियासत दे। कुछ दिन पहला मनप्रीत बादल ने तस्वीर जारी की थी जदों हरियाणे च सहुं चुकन जाना सी प्रधानमंत्री साहब ने उहदी सैणी की सहुं चुकन जाना सी जिहड़े मुख्यमंत्री नवे बने ने हरियाणे च उहनां दी सहुं चुकन दे समागम च जाना सी जदों प्रधानमंत्री ने तो मनप्रीत बादल ने सोशल मीडिया से फोटो पाई सी जिस मनप्रीत बादल नरेंद्र मोदी जी नूं मिल रहे ने ते उन्हां दा हाथ उन्होंने अपने हाथ च फड़िया होया ते ये सुनेहा दे रहे सी कि बड़ी निघी गलबात हो रही सी सियासी तस्वीरां ने जिहड़ियां उन्हां च सुनेहे लुके हुंदे ने नहीं तां बहुत सारे लोग जिहड़े प्रधानमंत्री साहब नूं मिले वो दूरों ही नमस्ते या सति श्री अकाल कर रहे सी हर किसी ने नरेंद्र मोदी का हाथ फड़ के अपने हाथ च लै लिया होवे घुट लिया होवे ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। मनप्रीत बादल क्योंकि खजाना मंत्री रहे ने उदों जदों केंद्र च BJP सी और जदों अकाली BJP की सांझ सी उदों भी उन्हां दी BJP नाल नेड़ता रही है ते हुण भी उन्हां नाल उन्हां दी BJP नाल नेड़ता है। सो मनप्रीत बादल क्योंकि कई बार जितते ने कई बार हारे ने हुण अगर BJP ने उन्हां नूं उम्मीदवार बनाया है ते अगर मनप्रीत बादल जित जांदे ने मनप्रीत बादल अगर जित जांदे ने ते BJP च वो वड्डे वड्डी आस वड्डी उम्मीद रख सकते हैं BJP भी उन्हें तो रख सकती है फिर रखेगी अगर वो जित जाते हैं BJP नूं सीट जिता देंगे उन्हें तो आस बनूगी पर अगर वो नहीं जितते फिर वो भी एक सधारण कद के लीडर च शामिल हो जाएंगे भी ये तो भाई हवा च जितते हैं या जो जिमनी चोण होवे उदों जितते फिर ये आम लोग गल्लां कर सकते ना लोगों को हक है नहीं गल करन दा जी। 12 च जदों 12 च अपनी पार्टी बनाई गिदड़बाहा और मौड़ मंडी तो लड़े दोनों जगह तो नहीं जितते जदों अपनी पार्टी बनाई पतंग दे चोन निशान ते लड़े नहीं जितते पहला तो भगवंत मान होनी भी इन्हां दे नाल सी ना भगवंत मान होनी तो आम आदमी पार्टी चले गए जदों अन्ना हजारे दा अंदोलन सी ये नहीं गए। हुण इस करके मनप्रीत बादल दे पोलिटिकल फ्यूचर दे उत्ते भी इस चोन दा बहुत वड्डा असर है ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
क्योंकि मेरे भी नानके ने हजूर जी। हुण जे बरनाला च देखा जाए अज की घड़ी कांग्रेस ने तो पिछली बारी उतो जमानत जब्त कराई, कांग्रेस तो केवल ढिल्लों तो बाद पहला कांग्रेस से केवल ढिल्लों उन्हों तो बाद बरनाला की उस तरह की नुमाइंदगी नहीं मिली कि कोई बहुत वड्डा लीडर नुमाइंदगी करता हो। सुखपाल खहरा पार्लीमेंट की चोन लड़न गए सी, उस तो बाद हजे तक तो मैनू बहुते सरगर्म बरनाला च नज़र नहीं आए। सो वो चोन हार गए सी पार्लीमेंट की, उदो लोगों ने कहा बहुत भी तुसी ना लड़ो। हुण बरनाला च सिमरजीत सिंह मान का रिश्तेदार है करीबी, दो ताईया पोता हुण मैनू एग्जैक्ट नहीं पता, उन्होंने चर्चे है कहिंदे वो भी लड़ सकते ने चोन। पर मैनू लगता है कि उत्थे टक्कर अज की घड़ी मेरा विश्लेषण कहिंदा आप और बीजेपी ये दोनों पार्टियां तो बिना तुसी चोन अखाड़ा किसी होर ने पखाता होवे उत्थे बहुत ज्यादा, ये आम लोगों च भी गल करो तो कोई अजिही गल नज़र नहीं आती। इन्होंने चोन अखाड़ा पखाया, बीजेपी भी उत्थे खूब सरगर्म है केवल ढिल्लों और आम आदमी पार्टी के भी लीडर सरगर्म ने। हुण केवल ढिल्लों का भी कद बहुत वड्डा है, अगर वह जित जाते हैं तो बीजेपी च बीजेपी उन्होंने वड्डी उम्मीद ला सकती है। वो पहला भी पार्लीमेंट लड़े बीजेपी वालों अपने दम से 60-70 हज़ार उन्होंने वोटा लिया, पर जित जित होंगी अगर जितते हैं कद वड्डा हो। सो इस तरह हुण आम आदमी पार्टी च अगर तो आम आदमी पार्टी की हाई कमांड भगवंत मान के मुताबक टिकटा दी, मतलब भगवंत मान के मुताबिक अगर पंजाब के वलंटियर्स और वर्करा की चाहत के मुताबक टिकटा दी है पार्टी, तो पार्टी चंगा प्रदर्शन करती है चार सीटा चो। कोई भी पार्टी जी 75% सीटा जित गई, चार चो अगर कोई भी पार्टी 3 सीटा जित गई ओदी लहर मनी जाऊगी अगले अगले माहौल के लिए, क्योंकि जो जलंधर च भी भगवंत मान जितया, जदों महेंद्र भगत जिते उस तो बाद गल्लां तुरपियां भी आम आदमी पार्टी जिमनी चोणां च हजे भी तकड़ी है। तो ये चार जिहड़ियां चोणां होणियां ने जिमनी, इन्हां तो बाद कारपोरेशनां दे इलैक्शन ने, क्योंकि कल ही पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने हुक्म दिता है पंजाब सरकार नूं कि तुसीं 15 दिनां दे विच विच कारपोरेशन दीआं चोणां दा नोटिफिकेशन जारी करो। 15 दिनां च नोटिफिकेशन जारी करना, इहदा मतलब है कि मैनूं लगदा है 13 नवंबर दीआं वोटां तों बाद कारपोरेशन दीआं चोणां वी पंजाब च होणियां ने, पटियाले होणी है, मेयर चुणिया जाणा, इक कारपोरेशन है, कौंसलर चुणने ने, लुधियाणे च है, फगवाड़े च है, सो 3-4 जगह ने। और पुरानी वार्डबंदी ते उह कहिंदे वोटां कराईआं जाण, सो वार्ड नवें वी नहीं बन सकदे। इस करके ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है आम आदमी पार्टी लिए भी, अगर भगवंत मान 4 चो 3 1 भी स्कोर करता है तो फिर एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर अगे वधू भगवंत मान। मैं वो गल तां कीती कि अगर दिल्ली ने अपने हिसाब नाल टिकटां दित्तियां पंजाब की नब्ज पछाणे बिना तो फिर चैलेंज है अगे, और यह स्थिति सारिया पार्टियां लई है, बीजेपी लई भी है। बीजेपी च भी कई वड्डे जिहड़े चेहरे ने उन्हां नूं अग्गे कीता गया है, हुण अविनाश राय खन्ना ने, मनोरंजन कालिया ने, दया सिंह सोढी ने, श्वेत मलिक ने, होर बहुत सारे अश्विनी शर्मा ने जिहड़े साबका प्रधान ने, और ये सारी लीडरशिप बीजेपी ने इस बार उभारी है। और अगर बीजेपी इस उभारी हुई लीडरशिप दे नाल इन्हां चारां दे विच्चों कोई एक सीट भी जितती है, मैं एक ते आना हरजोत जी, अगर बीजेपी इन्हां चारां सीटां चों कोई एक भी जितती है तो बीजेपी के हौसले बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सीधिया पिंडां नाल जुड़िया हुई सीटां। हुण बरनाला उहदे च रूरल सैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, रूरल सैगमेंट गिदड़वाहा च भी पेंडू खेत्र है, बरनाले च भी पेंडू खेत्र है, चब्बेवाल च भी और डेरा बाबा नानक च भी जी। और शहरां च तो बीजेपी ने पिछलियां चोणां च सीधा 18-19% का जंप मारिया, वोट परसेंटेज 18-19% तक पहुँच गए। सो अविनाश राय, रंजन कालिया, अश्विनी शर्मा, श्वेत मलिक जिहड़े पुराने लीडर बीजेपी के उभारे बीजेपी ने, अगर बीजेपी एक भी सीट जीती तो फिर बीजेपी के जिहड़े ये पुराने स्थापित लीडर ने इन्हां दी मंग होर वधनी है। और मैनू लगता बीजेपी ये महसूस कर गई कि असी अपने काडर के नाल अगे वधीए, और ये चंगा शगन है बीजेपी के लिए। जिन्हां लोगों ने पार्टियां लई मेहनत कीतियां हुंदियां ने पुराने समयां तों
जरूर उन्होंने मान सत्कार मिलना चाहिए, टिकटा मिलनिया चाहिए ने। यह नहीं भी जेडे लोग दल बदलू ने, बहुत सारिया हूँ भी इन्होंने चोणों भी कई दल बदलू ने, कई कई दल जिन्होंने बदले। सो दल बदलूआ तो लोग साढ़े बहुता ज्यादा भरोसा भी नहीं करते, पर इन चोणों ने इस तरीके का मैं हरजोत जी सैट कर देना। मैं लगता है कि जो 27 च पार्लीमेंट दी विधानसभा दी चोणा होनी ना, पोलीटल पार्टियां दल बदलूआ तो डरिया कर, दल बदलू देख के उन्होंने हाथ जोड़ दिया करने भी भाई तू ना आई, क्योंकि माहौल इस तरह का बन रहा जमीन। सो इस करके बहुत व्डा इन जड़िया चोणा है जिमनी चोणा, इन्हों का बहुत गंभीर असर पंजाब की सियासत पर पैना है। बिल्कुल सही गल है डल्ला जी, काफी गंभीर असर जो है पंजाब की सियासत से जरूर पैना ही पैना है इन्हां जिमनी चोणां दा। सो अगली खबर वाल वधीए तां डल्ला जी, पंजाब दे जड़े डीजीपी ने अचानक ही वह अद्धी अद्धी रात नूं खुद सड़कां ते आ रहे ने, आखिर पूरा मिशन की है, की ये सरगर्मियां पंजाब पुलिस वालों चल रही ने, पूरी इस उपर भी गल जरूर सांझी करियो। देखो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डीजीपी गौरव यादव ने जिहड़े इस वक्त पंजाब दे डीजीपी ने, नौजवान डीजीपी ने, एनर्जेटिक ने बहुत ज़्यादा, और पंजाब पुलिस दे विच साढ़े पंजाब दे ही मुलाजम ने, वो किसी बाहरली दुनिया तो आए नहीं। हुण तुसीं देखो ना त्यौहारां दे मौसम शुरू हो जाने ने, आ कुछ दिनां च ही भी जांदे ने विच विच, हुण दिवाली दी रात लोग घरां च होणे ते पुलिस सड़कां ते, ऐं तुसीं जिन्ने मर्जी त्यौहार लै लो, नवां साल लै लो, पुलिस वालियां लई भी नवां साल चढ़दा है, पर वो सड़कां ते ड्यूटी सारी सारी रात, ते लोग आम लोग या पार्टियां च या घरां च टीवी देख रहे होंदे, नाल मूंगफली ते रेवड़ी खा रहे होंदे नवें साल, ते या बहुत सारे लोग क्लबां च जांदे, कोई किते जांदा। कहण दा मतलब है कि डीजीपी जिहड़ा एक्शन कर रहे ने उहनूं मैं इस नजरिए तो देखदा कि वो अद्धी अद्धी रात नूं सड़कां ते आ के पुलिस नाके चैक कर रहे ने, पुलिस नाकियां ते पुलिस मुलाजमां दी फंक्शनिंग उन्हों इस पक्षों चैक कर रहे ने कि पुलिस टैक्निकैलिटीज़ नूं या टैक्नोलॉजी नूं जिहड़ा अजकल साड़ी पंजाब दी पुलिस दे विच टैक्निक जिहड़े टैक्नोलॉजी नाल जुड़े हुए जिहड़े इक्विपमेंट्स ने, उपकरण ने, तकनीकी उपकरण ने, वो साड़ी पुलिस कोले बहुत आ गए हुण पंजाब वाले को, वो ये चीज़ां चैक करते हैं कि ये जिहड़ा मकैनिज़म है चैकिंग दा या पूरा प्रोसैस है ये किन्ना क एफिशेंट है, साढ़े पुलिस मुलाजम जवान या अफसर किन्ने क एफिशेंटली डिलीवर कर रहे हैं। हुण इत्थों तक डीजीपी पुछ रहे सी, मैं तस्वीरां देखियां, आपां तस्वीरां भी दिखाउंदे, थोड़ी वीडियो भी दिखाउण दी कोशिश करदे हां। डीजीपी उन्हां दे पंजाब दे डीजीपी उन्हां ने ट्वीट कीती सी एक वीडियो, उहदा थोड़ा जिहा 20-30 सैकेंड का हिस्सा असी कोशिश करते हैं कि वह साझा करिए, उस स्नेहा बहुत वड्डा। देखो डीजीपी ने इतों तक पूछा एक पुलिस के मुलाजम को कि जदों तुसीं पुछगिछ करते हो तां किसी नूं असुविधा तो नहीं होंदी, मतलब कि वो कंसर्न ने। वैसे भी मैं देखदा अजकल साढ़े जिहड़े पुलिस के मुलाजम या जवान ने, वह भी श्रीमान जी कह के बुलाते हैं बहुतियां थावां ते, वह भी इस गल नूं समझ गए कि यह टैक्नोलॉजी का युग है। अजकल बहुत सारे पुलिस मुलाजम ने वो सीसीटीवी कैमरिया की मदद लेंदे ने केस सॉल्व करन दे विच, अजकल तो कई ट्रैफिक वाले जिहड़े पुलिस के मुलाजम ने उन्होंने कैमरे कहिंदे लगे होंदे ने कपड़िया दे विच ही। सो एडवांस जिहड़ी टैक्नोलॉजी है उन्हें पुलिस किवें यूटिलाइज करती है, और वीडियो च दिखाया कि जिहड़े अद्धी दी रात के लगते हैं पंजाब च, कई थावां ते गैर कानूनी पिस्तौलां बरामद होंदियां ने, क्योंकि जिन्हें कोई पिस्तौल पस्तूल गैर कानूनी पा के जाना है, कोई रात बराते मूँह नेरे निकलता है तो वह फड़िया जाता है, रात की पट्रोलिंग, रात के नाके, और बहुत नाके अजकल पंजाब च रातां नूं लगते हैं। मैं कई जगह रातां नूं ट्रैवल करदा कई बार, तो मैं अक्सर नाकियां नूं नाकियां दा असीं सामना करदे हां। सो अद्धी अद्धी रात नूं उन्हां दा आउण दा मतलब सड़कां ते है कि एक तां इह सुनेहा जावे कि देखो पुलिस किड्डी मेहनती है। हुण डीजीपी अद्धी अद्धी रात नूं बाहर आ रहे ने, तो असीं वी उन्हां दी गल कर रहे हां, मीडिया दे विच वी गल आ रही है, जदों डीजीपी अद्धी अद्धी रात नूं बाहर आके सवाल करदा है, पुछदा है मुलाजमां नूं, ते फिर मुलाजमां दीआं दिक्कतां दा वी पता लगदा, आम लोग भी महसूस करदे ने। हुण तां देखो ठंड शुरू हो जाणी जी, हजे तां ठंड एड्डी नहीं, जदों लोग घरां च हीटर ला के, बड़े बड़े अजकल तां उह हीटर वी इहो जिहे आ गए कि
ਚਾਹੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਘਰੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੁੰਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,00,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ 8-8 ਘੰਟੇ 9-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ DGP ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਕਈ SSP ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤੁਰੰਤ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਖਾਮ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ DGP ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ DGP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਰਫਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ, ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGP ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।